अब तक आपने बिजली का बिल हजारों या लाखों में भी सुना होगा, लेकिन पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक स्कूल का बिल ऐसा आया कि हर किसी का सर चकराकर रह गया। बिल सुनेंगे आप तो सुनिए, 6,18,51,50,163 रुपए। जी हां, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया हमने और बिल्कुल ठीक सुना आपने, 6,18,51,50,163 यानी कि 600 करोड़ से भी ज्यादा का बिजली का बिल। इतना ही नहीं, बिल ना जमा होने पर कनेक्शन काटने का फरमान भी आ चुका है। विनायका इलाके में जहां एक प्राइवेट स्कूल का बिल स्कूल से लेकर पब्लिक तक जिसने भी देखा और सुना हैरान रह गया, दंग रह गया। स्कूल प्रबंधन ने बताया कि एक नहीं बल्कि दो बार बिजली का बिल इतना ज्यादा आया। और पहली बिल जब आई तो मैं लेकर के गया वहाँ रूम नंबर 305 में, उन्होंने सुपरवाइजर को बुलवाया, बोला कि ये ऐसे कैसे हो गया, 6,000 तो बिल कहीं की नहीं है, इनका बिल कैसे 6,000, उसको आप देखो। उसने देखा तो बताया कि सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, अब दोबारा ये बिल नहीं जाएगी। मैंने कलेक्शन करा करके 9,500 रुपये बिल जमा करा दिया। उसके बाद फिर 25 तारीख को एक बिल और आया जो सेम अमाउंट की थी। ये पासबुक लेने, एक आम आदमी के लिए पासबुक लेने की, इतने बिल वो जमा कर सके। अरबों के बिल पर जब पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम से सवाल पूछा गया तो बिजली विभाग ने गलती कबूल कर ली। विभाग ने कहा कि सॉफ्टवेयर की वजह से ऐसा बिल दरअसल पहुंच गया। वो मैंने क्या, वो तो सिस्टम ने ही रिजेक्ट कर दिया ऑलरेडी, वो बिल जनरेट ही नहीं किया सिस्टम ने, केवल SBM से निकला हुआ वो एक पन्ना है जो कि मीटर रीडर की गलती की वजह से निकला है। वो सिस्टम पर बिल एक्सेप्टेड नहीं है, रिजेक्टेड बिल है, और उससे वो व्यथित ना हो हम उनकी रीडिंग मंगा लिए हैं और उसको सितंबर के महीने का नया बिल बना करके देंगे जो कि शुद्ध रीडिंग के हिसाब से हो। इतना ही नहीं, इंजीनियर ने इसकी वजह भी बताई कि कैसे बिल इतना ज्यादा बन गया। जिस उपभोक्ता के यहाँ ये मीटर लगा हुआ है वो मीटर नेट मीटर है, क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ एक सोलर प्लांट भी लगा रखा है। ऐसे सोलर प्लांट जहाँ जिस परिसर पर लगे होते हैं वहाँ दूसरे प्रकार का मीटर लगता है जिसको नेट मीटर कहते हैं, और ये जो बिलिंग मशीन है जिनको लेकर के हमारे मीटर रीडर वहाँ जाते हैं आम उपभोक्ताओं के यहाँ पर जहाँ सोलर मीटर नहीं लगा होता उस जगह के लिए कंपेटेबल है। जब ये इस बिलिंग मशीन से इस मीटर रीडर ने वहाँ जाकर के बिल बनाने का प्रयास किया तो वो बिल गलत बन गया। मीटर रीडर इस बात को नहीं जान रहा था कि मैं इस मीटर की रीडिंग कर सकता हूँ। जब लेकिन तब उसने बिल बनाने के बाद बिल गलत बन गया, बिल बनाने के बाद उसने सिस्टम पर जब उसको लोड किया तो सिस्टम ने उस बिल को स्वतः ही रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये SBM नेट मीटर के लिए कंपेटेबल ही नहीं है। स्कूल ने दावा किया कि पिछला सारा बिजली का बिल चुकता किया जा चुका है, बावजूद इसके सिर्फ एक महीने में 600 करोड़ से ज्यादा का बिल आ गया। और यकीनन इतना बिल अगर बन जाए तो बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही का ये बड़ा सबूत ही माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।